अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। चलिए, ये वेनसडे ट्यूसडे का ब्लॉग था, ट्यूसडे की सुबह है ये। तो मैं आ गई थी किचन में, रात को मैंने मसूर दाल और राइस बनाया था, आपको दिखाया था ना, मैंने रात को ही वीडियो अपलोड कर दिया था। तो मैं आ गई थी सुबह में किचन में, तो मैं ये आलू और अंडिया का चटना बना रही हूँ। तो आलू का चटना बनाकर मैं काट लूँगी थोड़ा सा, आखिब को तो अभी सन नहीं खिलाना है 3 दिन के लिए, इसलिए मैं ये 2 बड़े से इसके आलू को स्लाइस कर रही हूँ, बारीक बारीक स्लाइस कर लूँगी। तो मैं एक प्याज को मैं इसी में स्लाइस कर लूँगी। तो आखिब की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, तो बुखार चुक चुक कर आ रही है, देखती हूँ क्या होता है, आज कम नहीं होती है तो दोबारा जाना पड़ेगा शॉप को, जाकर देखती हूँ क्या होता है। तो स्कूल को भी भेजना नहीं सोच रही हूँ मैं, 2 दिन से बच्चे की स्कूल भी नहीं गया था, तो एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक टेस्टा भी है, तो रज़ा भी डाल कर नहीं रह सकती, देखती हूँ मैं। नहीं, देखिए मैंने स्लाइस कर लिया था आलू और प्याज को, पानी में ही स्लाइस कर लिया था मैंने, थोड़ा सा ये मसाला ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा मैंने खोपरे को काट लिया था, थोड़ी खोती मिर्च काट ली थी, इसी में एक टमाटर काट लूँगी, काट कर ग्राइंड कर लूँगी। ये टमाटर मैं काट कर बारीक स्लाइस कर ऐसे ही डाल लूँगी, ये पीसूँगी नहीं। 2 टमाटर लिए थे मैंने कुल, तो ये मसाले को मैंने पीस लिया था, इसी में डाल लूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल लिया था, 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल लिया था, इसी में थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डाल लिया था, 1/2 टेबल स्पून लहसुन का प्याज, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल लिया था। तो मैं ये आलू अंडिया का चटना बना रही हूँ, तो आखिब को भी सान नहीं खिलाना होता है ना, इसलिए मैंने अंडे बाद में डालूंगी। तो यही हो गया है, बिसान बनाएंगे तो कोई भी तो बच्चे को नहीं खिलाना होता, अंडे तो छोड़ो बाद में डाल लेंगे। तो मैंने 3 दिन से कुछ मटन भी नहीं बनाया था, चिकन भी नहीं बनाया था, आज 3रा दिन है, तो कल जुमा है, देखेंगे सब कल बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑयल डाल लिया था इसमें, 1-2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल लिया था, ऑयल भी मैंने कम ही डाला था, बच्चा भी खाएगा ना इसलिए। तो इसमें मैंने मसाला जो पी ग्राइंड करके रखा है, जो मसाला को मैंने प्रिपेयर कर दिया था, तो ये डाल लूँगी, 1 चम्मच डालकर मैं ये उकलडा होने तक फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर जो मैंने आलू और प्याज को पानी में भिगो कर रखा था, तो मैं उसे वो ऐड कर दूँगी, इसी में ही डालकर मैं अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। तो ये मेरे पास कस्तूरी मेथी थी, मैंने वो ऐड कर दी थी, सोइंग की भाजी भी नहीं थी, मेथी की भाजी भी नहीं, मैं ये मैक्सिमम मैं इसमें मेथी की भाजी डालती हूँ, तो मेरे पास वो नहीं थी, तो मेरे पास कस्तूरी मेथी थी, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। तो चलिए, मैंने आटा भी कला कर रख दिया था, गून कर रख लिया था आटा भी, तो चलिए मिलती हूँ। आखिब उठ, उठ को मधु, उठ उठ बा, गीजर ऑन करी। तो तब तक मैंने आखिब को उठा दिया था, तो सीटी आ गई थी, 3 सीटी, मेरा चकना हो गया था रेडी। तो मैं इसमें थे ये अंडे डालने से पहले मैंने थोड़ा सा काट लिया था, तो मैंने अंडे डालकर हिला लिया था, तो मैंने पका तो लिया था लेकिन आखिब ने नहीं खाया था, तो फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को छोड़ने गई थी ना, तब जाकर मैं इडली लेकर आकर दी थी उसे, नहीं खाता बोल दिया था बच्चे ने,
तो कोई नहीं, तबीयत ठीक नहीं होती तो मन नहीं होता बच्चों का हो, हमारा हो, किसी का भी नहीं मन होता खाने के लिए। तो मेरे पास देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, उन्होंने मुझे धो लिया था। तो बच्चा आज आखिर, ईजान भी आज 2 दिन से रबी को अकेला ही गया था। तो मेरा देखिए चटना हो गया था रेडी, तो मैंने रोटी को बना ली थी, मेरे हस्बैंड के लिए रोटी बना लिया था। ये देखिए फूल गई थी, फूल जाकर ये बीच में सिक गई थी, साइड में ऐसी कच्ची रह गई थी। तो ठीक है, देखिए मेरा फाइनल लुक चखने का ये था, तो मैंने काट लिया था। तो देकर मिलती हूँ मैं आपसे, आखिब को इडली ला कर देना है, ला के दे देती हूँ। तो चलिए, तो नाश्ते के बाद मैंने बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था। तो मुझे थोड़ा बैंक में कुछ काम था, मैं अम्मी के साथ आई थी बैंक में। मैं देखिए अम्मी को बुला कर लेकर आई थी, कुछ साथ काम था करके आ जाऊंगी। तो आखिर को मैंने स्कूल तो भेज दिया है, फिर भी ऐसे दिल में ये हो रहा है कि बच्चे को बुखार आ जाएगी, क्या करें, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक से टेस्ट हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए आओ। देखिए, मैं आ गई थी। ये देखिए नीचे ओनर क्या कोई दोस्त वगैरह आए थे, उनकी बच्ची थी आकर खड़ी थी। तो मैं आ गई थी, अम्मी को भी घर पर छोड़ दिया था। तो मैंने बुरखा भी नहीं काढ़ा था। देखिए मैं सुबह ही क्लीन कर कर गई थी। ये देखिए मौज मीठी थी, मौज भी मीठी थी। अम्मी ने मौज और मीठी लेकर आई थे आते आते ब्यांग से। तो अम्मी ने कहा कि मौज मीठी ले जाओ। तो मैं अम्मी को देख कर हंस रही हूँ, अम्मी मुझे देख कर हंस रही। मौज मीठी कहीं से बुला आए, तो हम कहते हैं ना कि मौज मीठी लेके जाओ करके, ऐसे ऐसे ऐसा दिख रहा था, बोल रही थी। मैं अम्मी को बोल रही हूँ अम्मी मौज मीठी ले जाऊँगा, तो अम्मी भी हंस रही, मैं भी हंस रही। तो खैर आते आते हम बैंक से आते आते मौज और मिठी लेकर आए थे। तो ये था, कोई बिड़ावे वगैरह का कुछ नहीं था। तो देखिए मैंने लंच नहीं किया था, तो अम्मी को कहीं दावत हुई थी, तो अम्मी ने चले गए थे कहीं, नहीं कहीं गए थे। तो मैं ये लंच कर रही हूँ, तो कल की दाल थी ना, तो राइस भी था, तो मैं इसी में ही ऑमलेट को फ्राई कर दिया था। तो मिलती हूँ आपसे, चलिए। तो आ गई थी मैं डिनर बनाने के लिए, तो कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, तो टमाटर की चटनी भी अच्छी होती है टेस्ट में। इसके साथ कोई कबाब होना चाहिए, अगर चिकन हो तो अच्छा लगता है। तो आखिर को बुखार है ना, बच्चे का दिल भी झांसेगा खाने के लिए, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ थी, सिर्फ चटनी बना लूँगी, बाद में अंडे उबाल लूँगी। तो अलादा आखिर भी खा लेगा, तो हम भी खा लेंगे। तो गोश्त बनाएंगे तो मिलाकर पकाना होता है ना, अंडे तो थोड़ा बाजू में काट ले के भाई डालकर उबाल लेंगे, पका लेंगे, पका सकते हैं। तो मैंने टमाटर और प्याज को काट स्लाइस कर लिया था। तो मैं ये ऑयल डाल रही हूँ, देखिए मेरे पास बरनी में थोड़ा ही ऑयल था, मैं ये पूरा खाली कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करना है ना, पैकेट फाड़ कर डालूंगी। तो मैंने जो भी तेल था उसमें डाल दिया था कढ़ी में। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालना होता है, टमाटर की चटनी को तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैंने तेल डाल लिया था। इसमें मैं प्याज को डाल लूँगी, स्लाइस की हुई प्याज थी ना मेरे पास, वो प्याज डालूंगी, थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालूंगी, डालकर ये फ्राई होने तक वेट कर कर भूलूंगी। देखिए मैं ये टमाटर की चटनी बना रही हूँ, टमाटर की चटनी बहुत शौक से खा लेते हैं बच्चे, मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं आती है टमाटर की चटनी, इससे अच्छा खट वो टमाटर का भुरता घोटते हैं ना, उनको वो पसंद आता है। तो वो बच्चा को सर्दी हो जाएगी, वो कच्चे टमाटर का होता है ना, उबाल के ही बनाते हैं फिर भी। तो मैं नहीं खा रही, ये भी शरद भी है बच्चों बच्चे के लिए। तो कोई नहीं, देखिए आज मदरसे से जुमेरात का दिन था ना, बच्चे आता है मदरसे से, अबा चले गए थे। यूं तो हर जुमेरात बच्चा फ़ोन करता है तब जाते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया, चले गए थे। तो वहाँ के हजरत ने भेजने से मना कर दिया था, फ्राइडे सुबह भेजते ही कह दिया था, अब्बा ने आ गए थे। तो खैर देखिए मैंने प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया था, 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल लिया था, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा और मेथी का पाउडर डाल लिया था, दो जो मैंने घर में ग्राइंड कर कर रख लिया था, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। थोड़ी सी कोथिंबीर काट कर डाल ली थी। ये रोस्ट होने के बाद मैं टमाटो ऐड कर दूंगी, इसके ऊपर नमक डाल दूंगी। तो टमाटो गलने तक पकाना है, इसके बाद हमारी टमाटे की चटनी रेडी हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ, देखिए बेल का आवाज़ आ रहा है।
तो आती हूँ मैं। हो रहा है, थक जा रही है। रखो मैं उठा ले, छो हाँ जी छोड़ो, ऐसे ही बोलो, उसमें रख डालो। तो ये चावल रख कर गए थे, तो ये मोटा था, मैं मंगा लेती हूँ। तो भैया आकर देखे जाते हैं घर में, तो फर्स्ट फ्लोर पर चल रही हूँ ना, वो तो बच्ची ला कर रखी थी। तो ये देखिए मेरी फाइनली ये टमाटो की चटनी रह गई थी रेडी, अब मेरे इसको चढ़ा लूँगी। बच्चे भी गए थे ट्यूशन को, अभी नहीं आए थे, आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ फ्राइडे के ब्लॉग में। तो चलिए मिलती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए मिलती हूँ, खुदा हाफिज़।